हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। देखो, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में हमने फिनिश कर दिया था। देखो, अब हमने एसिड बेस के बारे में तो पढ़ लिया, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने? एसिड के बारे में पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन देखा एसिड बेस का, फिर उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। अब आता है सॉल्ट, सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, अ सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द एसिड विथ अ मेटल। देखो, मान लो अगर तुम्हारे पास कोई भी एसिड है, ठीक है, उस एसिड में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, और हाइड्रोजन को आप किसी भी मेटल से रिप्लेस कर दो, जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ HCl, और इसको किसी भी मेटल से आप रिप्लेस कर दो। चलो, मैंने इससे Na से रिप्लेस कर दिया NaCl, तो क्या फॉर्म हो जाएगा तुम्हारा? सॉल्ट। चलो दूसरा एग्जांपल दिखा देता हूँ, H2SO4 देख लो। अगर मैं फिर इसको Na से या फिर क्या करूँ, Ca से वो कर दूँ, तो CaSO4 दैट मीन्स कैल्शियम सल्फेट, तो ये भी क्या होगा, एक तरह का सॉल्ट ही होगा। नाउ एग्जांपल देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन एसिड, ठीक है। इफ़ वी रिप्लेस हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दिस एसिड विथ अ मेटल एटम से सोडियम, ओके सोडियम, देन वी गेट सोडियम सॉल्ट, दिस इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। देखो, HCl प्लस Na, इसको हमने रिएक्ट कराया, NaCl बन गया, और Cl क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा तुम्हारा, रिमूव हो जाएगा H+, ठीक है, मिस्टेक्स वो कर लेना। इन सम सॉल्ट द हाइड्रोजन ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अमोनियम ग्रुप। देखो, कुछ सॉल्ट में ऐसा होता है कि हाइड्रोजन, क्योंकि अमोनिया क्या है, एक ग्रुप बेस टाइप का, लेकिन देखो कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन या फिर एसिड जो होता है, एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उस हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस किया जाता है, NH4 ग्रुप द्वारा, जिसको हम अमोनियम ग्रुप बोलते हैं। तो देखो, यहाँ पे HCl से NH4 से हमने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया, तो क्या बना यहाँ पे, NH4Cl। सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अगर एसिड और बेस दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं तो भी क्या होता है, तुम्हारा सॉल्ट फॉर्म होता है। हमने पीछे केमिकल प्रॉपर्टीज में देखा था एसिड और बेस के। तो यहाँ तक क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, नेचर ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट के नेचर कितने होते हैं, 3 टाइप के नेचर होते हैं। देखो, किसी की भी मान लो क्या होते हैं, जैसे कोई भी सब्सटेंस है उसको 3 नेचर होते हैं, एसिड, बेस एंड न्यूट्रल। इसी तरह सॉल्ट के भी कितने हैं, 3 नेचर्स हैं। फर्स्ट वन इज एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में क्या होता है, एसिड सॉल्ट व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ बेस। अब मान लो तुमने एसिड बेस का रिएक्शन कराया, अब देखो एसिडिक होना चाहिए, तो मतलब एसिड को क्या होना पड़ेगा यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग। अगर एसिडिक सॉल्ट बनाना है तो आपको एसिड जो आ रहा है आपको यहाँ पे नेम में आ रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग कर देना, बाकी भी वीक कर देना, तुरंत आपको बन जाएगा एसिडिक सॉल्ट। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस ले लिया हमने, फिर एसिडिक सॉल्ट बन गया, एंड वाटर सॉल्ट, वाटर बनता है आपको पता ही है। अब बेसिक सॉल्ट बनाना है, बेसिक सॉल्ट में क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग बेस ले लो। अब तक हमने बेसिक बनाना है तो बेस को क्या करो, स्ट्रॉन्ग ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड गिव्स टू बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। अब न्यूट्रल में क्या होगा, न्यूट्रल में देखो जाए तो दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ले लो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर, या फिर दोनों के दोनों वीक ले लो, वीक एसिड वीक बेस गिव्स टू न्यूट्रल सॉल्ट एंड वाटर। चलो इसको देख लेते हैं एक बार, व्हेन एसिड सॉल्ट व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ बेस, तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस गिव्स टू एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर। बेसिक सॉल्ट, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ वीक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड गिव्स टू बेसिक सॉल्ट एंड वाटर। नाउ न्यूट्रल एसिड सॉल्ट में देख लो, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, दे कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट एंड कैन फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट। आपको मैंने बताया था, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ले लो क्या आ जाएगा, न्यूट्रल, वीक वीक ले लो क्या आ जाएगा, न्यूट्रल आ जाएगा एंड वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है, सॉल्ट के बारे में मैंने बताया, सॉल्ट के नेचर के बारे में बताया मैंने, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, देखेंगे। एक बार देखो फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो, कोई भी मान लो सॉल्ट है, ठीक है, अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय रिप्लेस। देखो, कोई भी एसिड है उसमें अगर आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे, कोई भी मेटल आप वहाँ पे रख देते हो तो तुम्हारा एसिड बन जाएगा, ठीक है, सॉल्ट बन जाएगा।
एक तो ऐसे है, सेकंड है आप कोई भी एसिड में क्या करोगे, H प्लस की जगह NH4 अमोनियम ग्रुप को रिप्लेस करोगे तो तुम्हारा सॉल्ट बनेगा। थर्ड है आपका, अगर आप एसिड बेस का रिएक्शन कराते हो, इफ़ यू रिएक्ट एसिड बेस देन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके क्लियर, तो आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट में देखेंगे हम ये वाला स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वीडियो को सब्सक्राइब करो, सबको शेयर करो।